साल 1986 सोवियत संघ के नॉर्थ सिटी पिप्रिया चेर्नोबिल यूक्रेन का वो क्षेत्र जो कभी सोवियत संघ का चमकता शहर हुआ करता था, लेकिन एक विनाशकारी हादसे के बाद वीरान हो गया। यहाँ हुई एक भयानक परमाणु दुर्घटना ने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। दरअसल पिप्रियात की स्थापना 1970 में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों के लिए की गई थी। यह शहर पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस था और इसे सोवियत संघ के सबसे प्रगतिशील शहरों में गिना जाता था। पिप्रियात में उस समय के हिसाब से बेहतरीन स्कूल, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र और मनोरंजन पार्क थे। यह शहर वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रतीक था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सोवियत संघ की महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र था। इस प्लांट में 4 रिएक्टर थे। इसका मकसद देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इस प्लांट के RBMK रिएक्टर डिजाइन में कुछ तकनीकी खामियां थी जो आगे चलकर विनाशकारी साबित हुई। 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 में एक सुरक्षा परीक्षण किया जा रहा था। इस परीक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि बिजली की आपूर्ति कटने पर रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद किया जा सके। इस परीक्षण क्रम में पावर आउटपुट अचानक से 0 के बराबर हो गया। ऑपरेटर परीक्षण के अनुसार पावर को वापस ऊपर बढ़ा नहीं पा रहे थे, जिसके चलते रिएक्टर 1 अस्थिर स्थिति में पहुंच गया था। परीक्षण की विधि में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए ऑपरेटर इस स्थिति को इग्नोर करते हुए टेस्टिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते रहे। टेस्टिंग की इस स्थिति में ऑपरेटर ने रिएक्टर को बंद करने का फैसला किया, मगर रिएक्टर बंद होने के बजाय परमाणु श्रृंखला अनियंत्रित हो गई और अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ी जाने लगी। रिएक्टर का इंटरनल पार्ट पिघलने लगता है, जिसके बाद रात 1:23 पर 2 से अधिक विस्फोट होता है और बिल्डिंग तबाह हो जाता है। इसके तुरंत बाद जोरदार धमाका के साथ आग फैल जाता है, जिसके चलते अगले 9 दिनों तक रेडिएशन पॉल्यूशन निकलता रहता है, जो सोवियत संघ के कुछ भागों और पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया। 70% रेडिएशन 16 किलोमीटर दूर बेलारूस तक जा पहुंचा। रिएक्टर के इंटरनल भाग के विस्फोट में तत्काल 2 इंजीनियर की मौत हो जाती है, 2 और स्टाफ बुरी तरह जल गए। इस दुर्घटना के दरमियान 134 स्टाफ मेंबर को विकिरण सिंड्रोम के साथ अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि इन्होंने आयनाइज करने वाली विकिरण को अधिक मात्रा में सोख लिया था। इन 134 लोगों में से 28 लोगों की मौत कुछ ही दिनों के अंदर हो गई और बाकियों की मौत अगले 10 वर्षों में विकिरण से जुड़े कैंसर से हो जाती है। 2011 में इस क्षेत्र के 15 बच्चों की भी मौत थायराइड कैंसर से हो जाती है। रिएक्टर नंबर 4 के विस्फोट के कारण 3 नंबर रिएक्टर के छत में भी करीबन 5 जगह आग लग जाती है। रिएक्टर 3 के स्टाफ वागडा सारोव ने रिएक्टर को तुरंत बंद करना चाहा, लेकिन चीफ इंजीनियर निकोलोई फॉर्मिन ने इसकी इजाजत नहीं दी। सभी कर्मचारियों को रेस्पिरेटर और पोटासियम आयोडाइड की टेबलेट दिए गए और काम करते रहने को कहा गया। सुबह 5 बजे स्टाफ बागड़ा सारोम ने अपने फैसले पर 3 नंबर रिएक्टर को बंद कर दिया। दुर्घटना के समय में आग बुझाने के प्रयास में अग्निशमन के कर्मचारी प्राविक की मौत 11 मई को विकिरण के चलते हो जाती है। मृत्यु के पहले एक टेलीविजन एपिसोड की इंटरव्यू में उसने बताया कि विकिरण का स्वाद धातु जैसा है और उनके चेहरे पर पिन या सुई चुभने जैसा महसूस हो रहा था। विस्फोट के कुछ घंटों के अंदर शहर के स्थानीय निवासी बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें तेज सिर दर्द होने लगे और वे खांसने या उल्टी करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। इस दुर्घटना की जांच के लिए मॉस्को से नियुक्त कमीशन के अधिकारी 26 अप्रैल की शाम तक पावर प्लांट पहुंच गए। तब तक 2 और लोगों की मौत हो चुकी थी। 52 से अधिक अस्पताल में भर्ती थे। रिएक्टर तबाह होने के काफी सारे सबूत कमीशन अधिकारी के सामने थे। भीषण मात्रा में रेडिएशन सोखने की वजह से लोग बीमार होते जा रहे थे। 27 अप्रैल की सुबह तक पिप्रियात को खाली कर देने की सूचना दे दी जाती है। शहर वासियों को बताया गया कि वे मात्र 3 दिनों के लिए शहर से दूर रहेंगे। शाम के 3 बजे तक 53,000 लोगों को वहां से निकालकर दूसरे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उन लोगों की वापसी वहाँ कभी ना हो सकी।
हादसे के बाद हजारों सैनिकों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को सफाई अभियान में लगा दिया जाता है। इन लिक्विडेटर्स ने अपनी जान पर खेलकर रेडिएशन मलबे को साफ किया और रिएक्टर को स्थिर किया। इस चेर्नोबिल त्रासदी ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विभिन्न देशों ने सोवियत संघ को मदद की पेशकश की और परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के मानक स्थापित किए गए। पिप्रयात आज भी एक भूतिया वीरान शहर की तरह खड़ा है। यहाँ की इमारतें, स्कूल और पार्क समय के साथ टूट चुके हैं। ये टूटी हुई इमारतें उस त्रासदी की कहानी बयां करते हैं। हाल के वर्षों में पिप्रयात चेर्नोबिल क्षेत्र एक पर्यटन स्थल बन चुका है। लोग यहां आकर इस भयावह त्रासदी को करीब से देखते हैं। हालांकि रेडिएशन का खतरा अब भी बना हुआ है। इस चेर्नोबिल हादसे ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परमाणु ऊर्जा कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हादसा मानवता को यह भी सिखाता है कि किसी भी तकनीक का उपयोग सोच समझ कर और सुरक्षा के साथ करना चाहिए। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।